दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, हेलिना मिसाइल टेस्ट। भारत ने टैंक विध्वंसक मिसाइल हेलिना का एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, परीक्षण संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा किया गया। ज्ञातव्य है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के ऊंचाई वाले क्षेत्र से टेस्ट के बाद भारतीय सेना की ताकत को मजबूती मिलेगी। क्या है हेलिना मिसाइल विशेषताएं? हेलिना मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की क्षमता रखती है। भारत ने राजस्थान के पोखरान से इस टैंक रोधी हेलिना का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। हेलिना थर्ड जनरेशन की फायर एंड फगेट क्लास की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे लाइट हेलीकॉप्टर के जरिए टेस्ट किया गया है। हर तरह के मौसम में इसे फायर किया जा सकता है। यह पारंपरिक और विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ दुश्मन के टैंकों को मार गिरा सकती है। मिसाइल सीधे हिट मोड के साथ साथ टॉप अटैक मोड दोनों में लक्ष्य को भेद सकती है। किसने किया परीक्षण? रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि परीक्षण एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से किया गया और मिसाइल को एक प्रतिकृति टैंक के टारगेट पर सफलतापूर्वक दागा गया। मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल एक इमेजिंग इंफ्रारेड कौशल प्रणाली से निर्देशित होती है। यह दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी शस्त्रों में से एक है। हेलिना या हेलीकॉप्टर आधारित नाग मिसाइल 7 किलोमीटर से 10 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने संयुक्त रूप से इसका परीक्षण किया। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। मंत्रालय ने कहा, पोखरण में किए गए सत्यपान परीक्षणों के क्रम में उच्च ऊंचाई पर प्रभावीकर्ता का प्रमाण ALH पर इसके एकीकरण का मार्ग प्रशासित करता है। हेलीकॉप्टर ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलों को हथियारों और प्रणालियों की सूची में लॉन्च किया, जिन्हें सरकार ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आयात प्रतिबंध के तहत रखा है। भारत द्वारा लॉन्च किए गए स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के 4 महीने बाद नवीनतम हेलिना परीक्षण आया, जिसकी सीमा 10 किलोमीटर है। IEF के रूसी मूल के Mi-35 हमले के हेलीकॉप्टरों को मिसाइल से लैस होने की उम्मीद है, ताकि उन्हें दुश्मन के टैंकों को एक बेहतर स्टेट ऑफ रेंज से नष्ट करने की क्षमता मिल सके। Mi-35 पर मौजूदा रूस मूल की सर्टम मिसाइल 5 किलोमीटर की रेंज में टैंकों को निशाना बना सकती है। नाग और हेलिना DRDO द्वारा विकसित मौजूदा टैंक रोधी मिसाइलें हैं। नाग मिसाइल को एक संशोधित पैदल सेना लड़ाकू वाहन से लॉन्च किया जाता है, जिसे नाग मिसाइल वाहक या नमिका कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो पे, एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम।